सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार द्वारा सरगुजा में अपना पदभार ग्रहण करते ही अधिकारियों के साथ अपनी पहली मीटिंग में यह साफ तौर पर निर्देश दिया गया था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा सरगुजा जिले के प्रवास के दौरान की गई घोषणा को जल्द से जल्द पूरा करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके परिणाम कुछ ही दिनों में दिखने लगा है। 12 जुलाई को धौरपुर में नवीन SDM कार्यालय की शुरुआत के बाद 13 जुलाई बुधवार को कलेक्टर ने उप तहसील गठन का आदेश दिया और अगले ही दिन 14 जुलाई को कुन्नी और आज रघुनाथपुर में उप तहसील कार्यालय का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री की घोषणा पर त्वरित अमल करते हुए कलेक्टर कुंदन कुमार ने सरगुजा जिला अंतर्गत तहसील लुंड्रा के राजस्व निरीक्षक मंडल रघुनाथपुर, मैनपाट तहसील के राजस्व निरीक्षक मंडल राजपुर तथा लखनपुर तहसील के राजस्व निरीक्षक मंडल कुन्नी को अपवर्तित कर नवीन उप तहसील गठित करने का आदेश जारी कर दिया था, जिसके बाद आज छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के अध्यक्ष व लुंड्रा विधायक डॉक्टर प्रीतम राम एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष अजय अग्रवाल की उपस्थिति में आज लुंड्रा तहसील अंतर्गत रघुनाथपुर में उप तहसील का शुभारंभ किया गया। उप तहसील रघुनाथपुर वर्तमान में सामुदायिक भवन में संचालित होगा। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर प्रीतम राम ने कहा कि रघुनाथपुर को उप तहसील का दर्जा देकर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगात दी है। अब रघुनाथपुर से तहसील के कार्य के लिए 18 किलोमीटर की दूरी तय कर लुंड्रा नहीं जाना पड़ेगा। 14 जुलाई को कुन्नी और आज 15 जुलाई को लुंड्रा तहसील के रघुनाथपुर में उप तहसील कार्यालय का शुभारंभ हो चुका है। जल्द ही मैनपाट के राजापुर में भी उप तहसील का शुभारंभ किया जाएगा, जिसका आदेश कलेक्टर कुंदन कुमार द्वारा जारी कर दिया गया है। साथ ही अब 6 ग्रामीणों को कुल 80,000 राशि का मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान दिया गया। मेरे विधानसभा क्षेत्र में सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के भेंट मुलाकात कार्यक्रम के बाद मैंने जितने भी मांगे रखी थी उन सभी मांगों का तीव्रता से क्रियान्वयन हो रहा है और मैं लगातार 12 तारीख को SDM कोर्ट धौरपुर का शुभारंभ किया हूं और 14 तारीख को कुन्नी में उप तहसील का और आज 15 तारीख हम लोग रघुनाथपुर में उप तहसील का शुभारंभ कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं वो बहुत ही त्वरित गति से वो सब काम का क्रियान्वयन हो रहा है। इससे क्षेत्रवासी अत्यधिक प्रसन्न हैं और उनकी राजस्व संबंधी हर एक समस्याओं का निराकरण स्थानीय स्तर पर हो रहा है और इससे क्षेत्रवासियों को बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है और जितने भी योजनाएं शासन के संचालित हैं वो जमीनी स्तर पर क्रियान्वित हो रही हैं। हमारे गांव के अंतिम छोर तक व्यक्तियों को उसका लाभ मिल रहा है और पूरे क्षेत्रवासी हमारे छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा जो भेंट मुलाकात में दिए गए घोषणा का इतनी तेजी से क्रियान्वयन होते देख अत्यधिक प्रसन्न है और पूरे क्षेत्रवासी उन्हें हार्दिक आभार व्यक्त कर रहे हैं।